हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। माय नेम इज़ अनामिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉपिक बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1949। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। लेटर इट वॉज लीगली रिफाइंड एंड मॉडिफाइड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशंस अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। द लेटेस्ट रिविजन वॉज मेड इन 2017। उसके बाद ये कब लीगली रिफाइंड की गई? 2006 में। और किसके अंडर में? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर में। द लेटेस्ट रिविजन वॉज मेड इन 2017। इसको हिंदी में हम कहते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल योजना है क्या? भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतें एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू की गई ये एक योजना है। यानी कि जो भी शिकायतें दर्ज आप करा सकते हैं इसके अंडर में, जैसे कि आपको कोई बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपको क्वेरीज है, या कोई भी चीज़ जब ATM से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, कार्ड से रिलेटेड हो, है ना, और डिपॉजिट विड्रॉल एनीथिंग, कोई भी शिकायत अगर ऐसे आपको दर्ज कराती है तो आप कहाँ करवा सकते हैं? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर में आप करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत एक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी यानी कि क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होता है। बैंक लोकपाल की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके अंडर में की जाती है? RBI के अंडर में की जाती है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द RBI टू रिड्रेस द कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ दोज कंप्लेंट्स। मेनली इम्प्लीमेंट किस लिए की गई थी? जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो वो कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है उनके साथ, तो वो कहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं? बैंक लोकपाल योजना के अंडर में। और बहुत सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर में कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं में पाई गई कमियों के संबंध में अपनी शिकायतों में के समाधान हेतु उन्हें द्रुत गति वाला और कम खर्च वाला मंच प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू करके इसका विस्तार करने में संशोधन किया गया था। इसलिए आज के समय में यदि कोई बैंक हमें यानी अपने ग्राहक को बिना कोई सूचना दिए टैक्स लगाता है, तो हम लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। कहाँ हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं? लोकपाल योजना में। अगर आपको कोई बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, आपका टैक्स लग जा रहा है बिना आपको सूचना दिए गए, तो आप कहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं? बैंक लोकपाल योजना में। कई बार जब हम बैंक में कोई सर्विस लेते हैं या बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से ग्राहकों को कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इन्हीं समस्याओं पर नज़र रखने बैंक लोकपाल नियुक्त किया जाता है। यानी कि कोई सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है ना, लेकिन वो समस्या आपकी कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बट वो सर्विस आपकी उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो भी आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? लोकपाल योजना में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और आसान शब्दों में कहा जाए तो लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में कार्य करती है। मेनली किसके अंडर में वर्क होता है? यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में कार्य यहाँ पे होता है। हु इज़ द बैंकिंग ओम्बड्समैन? द बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्चुअली इज़ अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाई द RBI टू रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट पिटफॉल्स इन स्टिपुलेटेड बैंकिंग सर्विसेज कवर्ड बाई द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। मॉडिफिकेशंस वर मेड इन 2017। मेनली बैंकिंग ओम्बड्समैन है कौन? ये एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किया गया है। कौन अपॉइंट किया है? RBI ने। कि जो भी ऐसा पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि जो भी अगर कोई
कंप्लेन आती है तो उस चीज़ को कौन देखेगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन पर्सन, उसको सीनियर ऑफिसर जो भी रहेगा वो सारी चीज़ों को देखेगा। एज ऑन एंड अप्रैल 2018, 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड विद देयर ऑफिसर्स लोकेटेड मोस्टली इन स्टेट कैपिटल्स। 2018 के एंड तक 20 ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया गया, 20 ओम्बड्समैन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया हर एक स्टेट में, ताकि वो अगर कोई भी आरबीआई की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम, कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे, और यहाँ की देख रेख कौन करेगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन पर्सन जो ऑफिसर रहेगा वो सारी चीज़ों का चीज़ें देखेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस कवर्ड अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर्ड होते हैं यहाँ पे? ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs, एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि UCB आर कवर्ड अंडर द स्कीम। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कवर अप होते हैं? कमर्शियल बैंक्स हमारे कवर अप होते हैं, RRBs कवर अप होते हैं और UCBs कवर्ड होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। Now here's are some of the important facts. First one is, वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके। ये आपकी 1995 में तो लागू कर दी गई थी, लेकिन इसका जो अमेंडमेंट्स आए वो हमारा कब से आए? 2002 से 6 के अंडर में आए, है ना, संशोधन किया गया था ताकि हमारे बैंक द्वारा जितनी भी स्वच्छ, पारदर्शी और भेदभाव वाली चीज़ें ना रहे, उस चीज़ों को दूर कर सके, है ना, इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं ना मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत डाक, ईमेल, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन को, कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इश्यू हो रहा है प्रॉब्लम को लेके बैंकिंग तरफ से, तो वो कहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं लोकपाल योजना में, और प्रोसीजर क्या है, किस वे से आप कर सकते हो, चाहे आप डाक, चाहे ईमेल आप सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भी फिलअप होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज निःशुल्क की जाने वाली शिकायत की निस्तारण 30 दिन के अंदर किया जाता है, यानी कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका जो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन, जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी अगर आपको कंप्लेन करनी है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 30 दिन के अंदर ही आपकी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी हो जाएंगी। ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने नए क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतें, जैसे क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों, बैंकों के सेल्स एजेंटों द्वारा वचनबद्ध सेवाएं प्रदान ना करने और बैंक द्वारा वचनबद्धता को पूरा ना करने, ग्राहकों को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने तथा छोटे मूल्य वर्ग के नोट व सिक्के स्वीकार ना करने या छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार करने हेतु कमीशन लेने के संबंध में शिकायत कर सकेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप किस किस वे में आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्रेडिट कार्ड से लेके अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना, नोट को लेके है, कमीशन को लेके है, है ना, पैसा आपका जो है विड्रॉ नहीं हो रहा है या हो चुका है लेकिन वो उतना नहीं मिला है, है ना। तो जितनी भी कंप्लेंट्स है, हर तरीके की आप कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। एरियाज ऑफ कस्टमर रिड्रेसल अवेलेबल विद ओम्बड्समैन मैकेनिज्म।
The RBI has listed around 25 areas where the customers can raise complaints with the banking ombudsman. Some of them are क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम जिस पर दर्ज करा सकते हैं. नॉन पेमेंट, इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स एट्सेट्रा. अदायगी ना होने या चेकों, ड्राफ्टों, बिलों आदि की वसूली अथवा भुगतान में असाधारण विलंब, है ना. नॉन पेमेंट या डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, फेलियर और डिले टू इशू ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक. अगर आपका जो ड्राफ्ट है वो डिले हो गया है, पे ऑर्डर्स और बैंक चेक आपका अगर डिले होता गया है तो आप कंप्लेन करा सकते हो, या अगर फेल हो गया है तो आप कंप्लेन करा सकते हो. नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, कामकाज के निर्धारित समय का पालन ना किया जाना, तब आप कंप्लेन करवा सकते हो. रिफ्यूज़ल टू पे डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, तब आप करवा सकते हो. लेवाइंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, बिना नोटिस जारी किए कस्टमर, तब आप कंप्लेन करवा सकते हो. रिफ्यूज़ल और डिले इन क्लोजिंग द अकाउंट्स, लेखे बंद करने से इनकार या बंद करने में विलम्ब, तब आप करवा सकते हो, कंप्लेन दर्ज करा सकते हो. सिक्कों को बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वीकार ना करना तथा उसके संबंध में कमीशन लेना, है ना, स्वीकार नहीं हो रहा है या कमीशन, उसके लिए तब आप करवा सकते हो कंप्लेन फाइल. आवक परेषणों के भुगतान में विलंब अथवा भुगतान ना करना, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश अथवा बैंकर्स चेक जारी करने में विलंब अथवा जारी ना करना, बैंक अथवा उसके सीधे बिक्री एजेंटों द्वारा लिखित रूप में वचन दी गई बैंकिंग सुविधाएं, ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त प्रदान करने विलंब ने कराना, बैंक द्वारा अनुरक्षित बचत चालू या अन्य खाते में जमा राशि पर लागू ब्याज दर संबंध में रिजर्व बैंक के निर्देश यदि कोई हो का पालन ना करना, जमा राशियों का भुगतान ना करना, पार्टियों के खाते में आय जमा ना करना, विलंब करना. ये सारी क्या है आपकी पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप अगर ऐसी कोई भी आपको कंप्लेन आपको ऐसे आपके साथ चीज़ें हो रही हैं तो आप ऐसे केस में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो. निर्यातकों के लिए निर्यात प्राप्तियां मिलने, निर्यात बिलों पर कार्रवाई, बिलों की वसूली आदि में विलम्ब, बशर्ते कि ऐसी शिकायतें बैंक के भारत में परिचालन से संबंधित हो. इनकार करने के लिए किसी वैध कारण के बिना जमा खाता खोलने हेतु इनकार, ग्राहक को पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना प्रभार लगाना, ATM, डेबिट कार्ड परिचालन या क्रेडिट कार्ड परिचालन पर रिजर्व बैंक के अनुदेशों का बैंक अथवा अनुषंगियों द्वारा अनुपालन ना होना, पेंशन संवितरण में विलंब अथवा संवितरण ना करना. कुछ हद तक इस शिकायत हेतु संबंधित बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों के मामले में नहीं. रिजर्व बैंक सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार करों के प्रति भुगतान स्वीकार करने में विलंब अथवा इनकार करना, सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से इनकार अथवा विलंब, या सेवा प्रदान करने में असमर्थता अथवा सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब, बिना पर्याप्त सूचना अथवा बिना पर्याप्त कारण के जमा लेखों को जबरन बंद करना, बैंक द्वारा अपनाई गई बेहतर व्यवहार संहिता का अनुपालन ना करना तथा बैंकिंग अथवा अन्य सेवाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित अन्य कोई मामला, बैंकों द्वारा यथा अंगीकृत ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता अथवा ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता की संहिता के प्रावधानों को का पालन नहीं किया
नहीं किया जाना या बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने पर विनियामक दिशा निर्देशों का पालन ना किया जाना। तो ये सारी क्या थी, सारी शिकायतें, अगर ऐसी कोई शिकायत आपके पास आती है या होती है तो ऐसी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन फाइल करा सकते हैं बैंक योजपाल, बैंक लोकपाल योजना के अंडर में। प्रोसीजर फॉर मेकिंग कंप्लेंट विद बैंकिंग ओम्बड्समैन, क्या प्रोसीजर लगता है? अ बैंक कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद अ बैंक विद अ बैंकिंग ओम्बड्समैन सिंपली बाय राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर और थ्रू ऑनलाइन। या तो आप सिंपली पेपर पे राइट करके आप कंप्लेंट फाइल करा सकते हो या ऑनलाइन मोड के थ्रू आप कंप्लेंट को फाइल दर्ज करा सकते हो। द कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। द बैंक फेल्स टू प्रोवाइड रिप्लाई टू द कस्टमर्स कंप्लेंट इन 1 month। द बैंक रिजेक्ट्स द कंप्लेंट। द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद अ रिप्लाई गिवन बाय द बैंक। तो ये 3 प्रोसीजर है, ठीक है। लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। एज पर द प्रेजेंट रेगुलेशंस, द ओम्बड्समैन रिड्रेसल इज अलाउड फॉर कंप्लेंट्स वेयर द कंपनसेशन अमाउंट फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेंट इज लिमिटेड टू ₹20 lakhs। अगर ऐसा कोई लिमिटेशन आ रही है तब आप अमाउंट फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेंट इज लिमिटेड टू ₹20 lakh। सिमिलरली द बैंकिंग ओम्बड्समैन में अवार्ड कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹1 lakh टू द कंप्लेंट फॉर मेंटल एगोनी एंड हरासमेंट। द बैंकिंग ओम्बड्समैन विल कंसिडर द लॉस ऑफ द कंप्लेंट्स टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंप्लेंट हरासमेंट एंड मेंटल एंग्विश सफर्ड बाय द कंप्लेंट वाइल पासिंग द कंपनसेशन। अगर ऐसा कोई कंप्लेन आ रही है ना, 20 lakh से आपका ज़्यादा कोई कंपनसेशन वाली अमाउंट है, तब आप क्या करवा सकते हो, केस फाइल करवा सकते हो, मतलब कंप्लेंट को आप फाइल अप करवा सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा था कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।